हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, आज आपको मेष लग्न के विषय में बताऊंगा कि मेष लग्न में किसी जातक की मेष लग्न हो तो उसमें कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं और मेष लग्न के विषय में किस पूरी कुंडली का एक विश्लेषण किया जा सकता है वो किया जाएगा। और सरल भाषा में ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज मेष लग्न की कुंडली का विश्लेषण होगा। सामान्यतः पता लगेगा कि मेष लग्न के जातक के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है और कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा में उसे लाभ होगा। इस विषय में जो सामान्य जानकारी है कुंडली विश्लेषण वो आपको करके बताया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले ऋषि पाराशर महाराज को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले वीडियो में किस तरीके की राशियाँ होती हैं। मेष मतलब एक और वृषभ मतलब दो, इस तरीके से नंबर है। मेष से लेकर मीन तक 12 है, ये निर्धारित नंबर ही चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और ये सभी निर्धारित है कि मेष की राशि मेष का नंबर एक होता है और उसका दूसरा नंबर 8 होता है, वृश्चिक, है ना। तो और मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। इस तरीके की ये चीज़ें आपको जो ज्योतिष में इंटरेस्ट लेता है या ज्योतिष के विषय में कुछ आगे अभ्यास करना चाहता है या ज्योतिष से रिलेटेड किताबें पढ़ना चाहता है, ठीक है, या ज्योतिष से संबंधित लिटरेचर को पढ़ना चाहता है तो उसे सामान्य ज्योतिष कितनी जानकारी होनी चाहिए या ज्योतिष सीखना चाहता है तो लग्न कुंडली से आज विश्लेषण होगा। और मेष लग्न का आज विश्लेषण इस तरीके से 12 लग्नों की कुंडली होती है तो हर लग्न की कुंडली में अलग अलग ग्रह योग कारक होते हैं, अलग अलग ग्रह पाप ग्रह होते हैं, कोई शुभ ग्रह होता है और उन्हीं की दशा अंतरदशा में लाभ मिलता है या फलित होता है। चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और षोडश वर्ग कुंडली। तो आज जो विश्लेषण होगा वो सिर्फ लग्न कुंडली से ही विश्लेषण होगा। तो आपको याद रखना होगा कि तीन प्रकार की बात कुंडली होती है, लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है और एक षोडश वर्ग में नवमांश कुंडली भी होती है। तो षोडश वर्ग में 16 प्रकार की कुंडली होती है। तो आज सिर्फ लग्न कुंडली की बात होगी। आज काल पुरुष की जन्म कुंडली मतलब प्राकृतिक कुंडली इस तरीके की होती है, ठीक है। उसमें पहला भाव ये होता है और दूसरा भाव ये होता है, तीसरा भाव, चौथा भाव, इस तरीके से क्रम है, ठीक है। लेकिन किसी जातक का जब जन्म होता है तो वो किसी भी लग्न में हो सकता है। उसका यहाँ से स्टार्ट लग्न हो सकता है 10वें भाव से, उसका लग्न यहाँ 8वें भाव से स्टार्ट हो सकता है, है ना। और इसको पहले भाव को तनु भाव, फिर धन भाव, सहज भाव, सुख भाव, सुत भाव, रिपु भाव, जाया, मृत्यु, धर्म भाव, कर्म भाव, आय भाव, व्यय भाव, इस तरीके से कहते हैं, जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से ये 12 लग्न की कुंडली होती है और 12 लग्न की कुंडली में अलग अलग ग्रह शुभ होते हैं, अलग अलग ग्रह अशुभ होते हैं। तो ये कालचक्र जो है, कालचक्र की जो है, काल पुरुष की जो राशि है, इस तरीके से इसमें ग्रह देखिए कि मेष जो है सिर का प्रतीक है, वृषभ जो है ओंठों का, मुंह का प्रतीक है, और मिथुन जो है हाथ के बाहों का प्रतीक है ना, और कर्क राशि में जो है ये हृदय का, फेफड़े का, सी में फेफड़े का, है ना, कन्या में ये पेट का, तुला में ये पेट के नीचे का भाग, वृश्चिक में ये जन्नांगों का, ठीक है, धनु में ये वाला भाग को, मकर में ये टांग के थोड़ा सा घुटने के ऊपर वाला भाग, कुंभ मतलब सीधे घुटने का, और मीन मतलब सीधे ये पैरों का, पंजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये मेडिकल ज्योतिष में ये बड़ा काम की चीज होती है। मेष राशि के विषय में कहा गया कि मेष राशि मेढ़ा के सदृश होती है, जो मेढ़ बकरा होता है ना, मेढ़ा के सदृश होते हैं। इसका निवास स्थान बकरी तथा भेड़ों के घूमने की भूमि, धातुओं की खान, रत्नों की भूमि होते हैं। यह घास वाली भूमियां वनस्पतियों से घिरी झील आदि स्थानों पर विचरण करती। मेष राशि का के बारे में ये विवरण है, ठीक है। देखिए जब कोई एस्ट्रोलॉजर फलित करता है, खासकर लग्न पे फलित करता है, तो किसी भी जातक का जब जन्म होता है तो उसका लग्न और उसकी चंद्र कुंडली दोनों पे आधा आधा प्रभाव रहता है या जो बलि होता है प्रभाव होता है। तो लग्न यदि उसकी मेष है तो मेष लग्न के जो कारकत्व है उसके ऊपर आएंगे और उसकी जो राशि है उसके भी कारकत्व उस पर आएंगे। देखिए जैसे कहा गया है कि विषम राशि कौन सी है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 की राशि विषम है, शुभ राशि और स्त्री राशि। जो विषम राशि होती है वो अशुभ है और पुरुष राशि, और जो सम राशि होती है स्त्री राशि है वो शुभ है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशि है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशि है। ये शुभ सॉरी स्त्री और पुरुष का जो विचार है, जब किसी बच्चे के जन्म के समय ये बताया जाता है कि बच्चा उसका पुरुष मेल या फीमेल होगा, उसका विचारण यहाँ पे किया जाता है। और जब फलित करने के समय में ये राशियों का जो चरित्र है और राशियों की विशेषताएं हैं वो बहुत काम आती है कि स्थिर राशि में क्या होती है
और चर राशि क्या होती है, द्वि स्वभाव राशि क्या होती है, अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, वायु तत्व, जल तत्व राशि, इनका जो फलित विचार में, फलित देने में बहुत उपयोग होता है। तो जिस व्यक्ति को भी यदि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास सीखना है, भविष्य में यदि रुचि है उसकी, यदि वो सीखना चाहता है, तो उसको राशियों के गुण तत्वों को अच्छे से रटना लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ आपको नहीं बता रहा हूँ। आपको ये मालूम होगा मेष को, मेष राशि को अंग्रेजी में एरीज बोलते हैं ना। और अब आगे आपको ये बताते हैं कि कौन से भाव से क्या देखा जाएगा। सामान्यतः तीसरा, चौथा, नौवां, बारहवें भाव को आपको क्लिम कहते हैं, और त्रिकोण भाव मतलब पहला, पांचवा, नौवां भाव, आयु स्थान मतलब आठवां और तीसरा स्थान को आयु भाव कहते हैं, मारक स्थान मतलब दूसरा और सातवां भाव, उपचय स्थान, उपचय मतलब वृद्धि स्थान, तीसरा, छठा, दसवां और ग्यारहवां भाव। देखिए ग्यारह भाव को वैसे लाभिस कहते हैं, लेकिन ग्यारह भाव कभी शुभ नहीं होता। तो तीन, छः, दस, ग्यारह भाव उपचय स्थान है। इसके अतिरिक्त त्रिक स्थान होता है, छः, आठवां और बारहवां, ये हमेशा अशुभ कहलाते हैं। चर राशि, स्थिर राशि, दुस्वभाव राशि, आपको इसकी कोई ध्यान रखना होगा। जन्मांग में द्वितीय, पंचम, अष्टम भाव को एकादश भाव कहते हैं, जिसे फणकर भी कहते हैं। जन्मांग में तृतीय, षष्टम, द्वादश भावों को उपोक्लिम कहते हैं, आपोक्लिम कहते हैं। जन्मांग में तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश भाव को उपचय कहते हैं, उपचय का मतलब वृद्धि होता है। लग्न से पंचम, नवम भावों को त्रिकोण कहते हैं, जो अति शुभ होते हैं त्रिकोण। सारे राजयोग त्रिकोण से या केंद्र से कोई ग्रह युति करे तो होते हैं, ठीक है। इवन पाप ग्रहों के बारे में कहा जाता है कि यदि त्रिकोण से संबंध किसी तरह से बना लेते हैं तो शुभ कहलाते हैं। लग्न से चतुर अष्टम भावों को चतुरस्त्र कहते हैं। जन्मांग में लग्न से द्वितीय, सप्तम भावों को मारक स्थान कहते हैं। अब इनको प्रैक्टिकल से भी हम समझेंगे आगे। लग्न से द्वितीय, द्वादश भाव को नेत्र कहते हैं। ध्यान दीजिए, लग्न से द्वितीय और द्वादश भाव को नेत्र कहते हैं। इसका मतलब यह है कि द्वितीय भाव में या द्वादश भाव में, खासकर द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्रमा बहुत बिगड़े हुए रहते हैं, तो व्यक्ति को जो है नेत्र की समस्या हो जाती है। लग्न से षष्ठ, अष्ट, द्वादश भाव में को नेत्र कहते हैं, ठीक है। लग्न से षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव को नहीं, नेत्र नहीं, ये दुख दुख भाव कहलाते हैं ये, ठीक है। दुख भाव लिखने में टूटी हुई है, दुख भाव कहलाते हैं। लग्न से षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव, द्वादश भावों को दुष्ट स्थान कहते हैं। इनको त्रिक भाव भी कहते हैं, छः, आठ, बारह, त्रिक भाव कहते हैं, त्रिष्ठाए, ठीक। इसमें ग्यारहवां स्थान भी शुभ नहीं माना जाता, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, पाप ग्रह और शुभ ग्रह की जानकारी। शुभ ग्रह कौन से कहलाते हैं, गुरु, शुक्र, बढ़ती कला का चंद्र, इसका मतलब शुक्ल पक्षमी का, ठीक है। शुक्ल पक्षमी का चंद्र खासकर शुक्ल की पंचमी से लेके आगे तक का शुभ कहलाता है। और शुभ संयुक्त बुध, अब बुध के बारे में तो यह है कि इनका कोई ठिकाना नहीं है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास जैसी कहानी है। बुध जहां रहता उसी का, जिस ग्रह के साथ बलशाली ग्रह के साथ होता वैसे प्रभाव करता। पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु और क्षीण चंद्रमा। क्षीण चंद्रमा मतलब जो चंद्रमा चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कहलाएगा आपका, वो क्षीण चंद्रमा कहलाएगा। और पीड़ित बुध। शुभ ग्रह कौन से कहलाएंगे, शुभ ग्रह एक, चार, सात, दस भाव के स्वामी हो तो भी अपनी, यहाँ आपकी सिद्धांत है, ये सिद्धांत एक जनरल सिद्धांत है, ठीक है। कहा जाता है कि पहले, चौथे, सातवें, दस के भाव के स्वामी हों तो भले ही वो शुभ ग्रह हो तो अपनी शुभता को छोड़ देते हैं, क्योंकि केंद्र का दोष लगता है, केंद्राधिपति दोष। पाप ग्रह, पाप ग्रह यदि केंद्र के स्वामी हो तो अपना पापत्व छोड़ देते हैं। क्या है पाप ग्रह यदि केंद्र के स्वामी हो तो अपना, इसका मतलब पाप ग्रह केंद्र स्थान पर जाने से शुभ होते हैं, ये मतलब है इसका। ये मेष लग्न की कुंडली का सैद्धांतिक विश्लेषण है, किसी जातक को इससे फलित नहीं बताया जा सकता, केवल सिद्धांत का परीक्षण होता है, क्योंकि कुंडली का विवेचन ग्रहों के बलाबल पे और व्यक्तिगत रूप से ग्रह कहाँ बैठे हैं, कौन सा ग्रह उच्च का है, नीच का है, वक्री है, बहुत सारे सिद्धांत अप्लाई होते हैं ग्रहों के बल बल सडाबल सडबल आदि पे निर्णय करके कोई फलित किया जाता है। अब किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली हो, ठीक है, किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली हो तो क्या सिद्धांत अप्लाई होगा। सबसे पहला शुभ ग्रह उसके कौन कौन से कहलाएंगे, मेष लग्न कुंडली के लिए शुक्र, सूर्य, गुरु और चंद्रमा, मंगल, ये शुभ ग्रह कहलाएंगे, ठीक है। पहले तो शुभ ग्रह इसका मंगल है, देखिए मंगल यहाँ दो स्थान का स्वामी है। अब पूरा विश्लेषण में अपन बात कर रहे हैं,
मेष लग्न की कुंडली है किसी जातक की, और यहाँ पे उसमें मंगल दो स्थान का स्वामी है, एक और यह नंबर दो आठ, ये आठवा हो गया, अष्टमेश हो गया। लेकिन अष्टमेश को लग्नेश होने के कारण पापत तो नहीं लगेगा, कोई बुरे भाव अष्टमेश होने का उसको कोई दोष नहीं होगा। अब और विश्लेषण आगे बढ़ने के पहले ये जरूर आपको जानना चाहिए कि ये लग्न कुंडली से मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, ठीक, लग्न कुंडली कहलाएगी। आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि चंद्र कुंडली नहीं है, लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली है, ठीक। मेष लग्न वालों के बारे में विचार हो रहा, सिर्फ ओनली फॉर मेष लग्न, ठीक। इतना जरूर जान लेना चाहिए मेष लग्न वाले को, ये जो दूसरा स्थान मारक स्थान कहलाता है और सातवां स्थान मारक कहलाता है, ठीक है भाई। ये वीडियो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भाई, बाकियों के लिए ये उचित नहीं जान पड़ेगा, है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से कट रहा था इसलिए मैंने कर दिया इसको, हाँ ठीक। तो ये जो है यहाँ पे पहला तो इसका केंद्र स्थान कहलाया, ठीक, केंद्र, ये त्रिकोण भी कहलाता है। ये दूसरा केंद्र स्थान, ये चौथे भाव, ये तीसरा ये केंद्र स्थान, ये भी केंद्र त्रिकोण कहलाया, केंद्र त्रिकोण, सॉरी केंद्र स्थान कहलाएगा, ये केंद्र स्थान। लेकिन लग्नेश के बारे में कहा जाता है कि पहला भाव त्रिकोण भी कहलाता है। कुछ जो बुद्धिमान कुछ जानकार ज्योतिष कहते हैं कि भाई ये लग्न का पहला भाव ये त्रिकोण का भी भाव कहलाएगा, ठीक है। और ये दसवां भाव, ये चार भाव त्रिकोण कहलाते हैं केंद्र स्थान, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक। अब इसमें त्रिकोण कौन सा कहलाएगा, ये त्रिकोण स्थान कहलाएगा जो अति शुभ होता है, इससे ज़्यादा कोई शुभ नहीं, और ये भी अति शुभ होता है, नौवा स्थान जो त्रिकोण कहलाता है, और ये पांचवा स्थान, ठीक है। यदि कोई ग्रह इनके साथ, केंद्र वाले ग्रह यहाँ के साथ मिलके कोई युति करते हैं, मान के चलो कि ये पंचमेश और सूर्य और चंद्र बैठ के यहाँ बैठ जाते हैं तो वो लाभकारक कहलाएंगे, ठीक। आगे इसमें विश्लेषण में चलते हैं कि इस कुंडली का ये प्रथम केंद्र भाव बता दिया मैंने, त्रिकोण बता दिया, अब इसमें ये दो स्थान मारक कहलाएंगे, ठीक है। तो ये मारक, जैसे इस कुंडली में चूंकि शुक्र मारक हो गया, तो ये कभी शुक्र इस कुंडली में मारक होने के कारण अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन मंगल लग्नेश होने के कारण और अष्टमेश होने के कारण उसको लग्नेश होने का अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, तो मेष लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक कहलाएगा। अब आगे चलते हैं, और दूसरा क्रह बचा ये चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे यदि क्षीण चंद्रमा नहीं है, हो सकता है कोई चंद्रमा, कहाँ है भाई चंद्रमा, ये चंद्रमा, अब ये चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, ठीक है, बारहवें स्थान पे, एक तो ये शुभ स्थान नहीं है, हो सकता है ये क्षीण चंद्रमा हो, और हो सकता है कि इस चंद्रमा पे यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ती हो, तो ये चंद्रमा बिगड़ गया, ये शुभ फल नहीं देगा। तो चंद्रमा एक प्रकार से शुभ ग्रह है, लेकिन क्षीण चंद्रमा होने से वो पाप के फल देता है। तो ये इसका मतलब ओवरऑल कुंडली में कर्क का जो चंद्रमा है वो शुभ फल देगा, और इस कुंडली में सूर्य बहुत योग कारक ग्रह है। यदि सूर्य यहाँ पे दसवें स्थान पे बैठता है, ठीक है, यहाँ बैठे या यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, तो वो शुभ फल देंगे। लेकिन सातवें स्थान पे सूर्य बैठने से ये पृथक कारण का भी होती है, पृथक परिवार को पारिवारिक जीवन में कष्ट की भी बात होती है, लेकिन ओवरऑल सिद्धांत के हिसाब से ये शुभ है। अब ये जरूर देखना चाहिए आपकी कुंडली में यदि सूर्य महाराज सातवें में कहीं बैठ जाए, मेष लग्न की कुंडली में ये यहाँ पे बैठ जाए, तो नीच के भी हो गए, ये तो अति खराब योग हो गया, ठीक है, ऐसा आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं इस कुंडली में विश्लेषण में, ये चौथा हो गया। अब बुध देखिए, इस कुंडली में बुध सबसे खराब है, एक तो ये तीसरा स्थान खराब स्थान कहलाता है, और इसके बाद ये छठा स्थान, तो छः आठ बारह तो खराब कहलाते ही हैं, और तीन छः ग्यारह भी खराब कहलाते हैं, उपचय स्थान कहलाते हैं। तो बुध इस कुंडली में सबसे खराब हो गया है, ठीक है। अब उसकी बुध आपकी कुंडली में इस इतना होने के बाद भी कहीं उच्च हो जाए, तो बुध यहाँ होने से उच्च के होंगे, तो निश्चित रूप से बुध खराब होके भी अच्छे फल देंगे, क्योंकि ग्रह भाई उच्च का हुआ है, इस तरीके से विचार करना। और यदि बुध यहाँ पे चले जाएंगे तो देखिए नीच के हो गए, तो निश्चित रूप से तो बुरा है, और जाके वो चूंकि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठता है तो वो पॉजिटिव भी कहलाता है, विपरीत राजयोग टाइप की बात हो जाती है। यदि बुरे स्थान का स्वामी बुरे स्थान पर जाके नीच का भी हो गया तो कभी कभी पॉजिटिव रिजल्ट आने लगते हैं, ये कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो
इस कुंडली में सबसे पहले तो लग्न और अष्टम का विवेचन हो गया, मंगल शुभ ग्रह। शुक्र बहुत मारक है, लेकिन शुक्र अकेला मारक नहीं होता, जब तक का कोई पाप ग्रह के साथ उसको संयोग हो जाए। यदि शनि के साथ संयोग हो जाए या मंगल के साथ संयोग उसका हो जाता पापी ग्रह से, तो वो अकेला मारक नहीं होता, दूसरे ग्रह भी मारक हो जाते हैं, शनि भी मारक हो जाता है। बुध की बात हो गई, चंद्रमा की, चंद्रमा और सूर्य मेष लग्न कुंडली में सबसे शुभ, बुध सबसे खराब मारक स्थान, दोनों खराब स्थान के स्वामी, शुक्र खराब इस कुंडली में, मंगल की बात हो गई। अब गुरु की बात आती है। देखिए, गुरु दो स्थान के स्वामी है, एक तो त्रिकोण के और दूसरा यहाँ पे द्वादशेश के। तो त्रिकोण होने से तो शुभ है, लेकिन द्वादशेश होने से अशुभ है। तो ये अपना आधा आधा फल देंगे, त्रिकोण होने से शुभ है। अब कोई कहेगा कि यहाँ पे शनि और गुरु तो बहुत शुभ होंगे, लेकिन शनि और गुरु शुभ नहीं होंगे, क्योंकि इस कुंडली में जिस तरीके से गुरु यहाँ त्रिकोण में शुभ है, लेकिन यहाँ द्वादशेश होने से वो अशुभ हो गए हैं। तो गुरु और शनि का योग भी सफल योग नहीं माना जाएगा, और गुरु शुक्र का योग भी सफल योग नहीं माना जाएगा, क्योंकि गुरु शुक्र तो मारक है, गुरु द्वादशेश है। ठीक, अब चलते हैं शनि। तो शनि यहाँ पे दशम होने से तो शुभ है, लेकिन यहाँ एकादश होने से अशुभ है। तो इस मेष लग्नी कुंडली में शनि भी अशुभ माना जाता है, ठीक है, पापी ग्रह माना जाता है। इस तरीके से ये विश्लेषण यहाँ पे पूर्ण हुआ। लेकिन पाप ग्रह में बुध शुक्र पापी है, सूर्य गुरु चंद्रमा मंगल शुभ ग्रह है, मारक ग्रह शुक्र है, योग कारक में लग्नेश होने के कारण मंगल शुभता का व्यवहार करता। तो मंगल सूर्य चंद्र मेष लग्न की कुंडली में शुभ कहलाएंगे, ऐसा विवरण मेरे द्वारा किया गया है। तो ये सिर्फ मेष लग्न की कुंडली का विवरण था। उम्मीद है कि हाँ, आगे और मैं बता दूं कि किसी जातक की यहाँ पे ये त्रिकोण रेश होने से मौका आने पे राजयोग का कारक होता है, लेकिन ये जरूर है कि जब दोनों स्थान में से एक बुरा स्थान है, तो एक स्थान का अच्छा फल मिलता है, लेकिन एक स्थान का बुरा फल मिलता है, ऐसा अनुभव से देखा गया है। क्योंकि भले ही गुरु यहाँ त्रिकोणेश है, लेकिन बारहवें स्थान का स्वामी होने से वो मारक बुरे स्थान के स्वामी होने से वो बुरा हो जाते हैं। इस तरीके से कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। ये मेष लग्न की कुंडली थी। मेरा ये छोटा सा प्रयास था बोलने में, बताने में कुछ त्रुटि हुई तो माफ़ करें, लेकिन जब तक हम सीखेंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे। कोई जन्म से तो कोई आदमी ऐसे सीख के नहीं आता है ना, तो प्रयास करने से ही होता है। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए। इस तरीके का ये मेरा कुंडली विश्लेषण का प्रयास था। इस तरीके से हम 12 लग्नों की कुंडली का प्रयास करेंगे। जो भी साथी सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो वो इस प्रकार का ये विश्लेषण आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ये विश्लेषण करने के लिए मैंने मेजर खोत की जो किताब है उसको मैं लघु पारसरी का अध्ययन किया हूँ, और उससे मैंने ये तैयारी करा है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू हरे कृष्णा।